सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाल्मा नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का लेसन 1 एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज अर्थात उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए आपको इनके मान निकालने हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों में आप देख सकते हो 3/5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, 3/5 एंड 3/5, तो ये संख्या और ये संख्या, ये पूरी संख्या को मैं यहाँ ले लेता हूँ और इस संख्या को यहाँ ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6, और ये वाली संख्या 5/2 यहाँ ले लेता हूँ, +5/2। राइट, अब ये और ये इन दोनों संख्याओं में आप देख सकते हो 3/5 इज कॉमन। ठीक है, तो कॉमन ले लेता हूँ विद माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन है तो -3/5 मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने का मतलब है इनटू और एक ब्रैकेट। इसमें से अगर 3/5, -3/5 अगर मैं निकाल लेता हूँ तो इसमें बचेगा 2/3, एंड यहाँ पर -3/5 निकालूँ तो यहाँ बचेगा प्लस का 1/6, 1/6, और यहाँ पर 5/2। अब इसे सॉल्व करते हैं, -3/5 इंटू, अब 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, थ्री सी थ्री वन जर थ्री, 3 2 6, तो इनका एलसीएम आ गया 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ, और 6 में मैं 3 का डिवाइड करूँगा तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से तो 2 × 4 प्लस, अब इस 6 में इस 6 का डिवाइड करूँगा तो आएगा 1, एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर 1 एंड प्लस 5/2। इसके आगे -3/5 इंटू, यहाँ पर देखिए 4 एंड 1, 5, 5/6, ठीक है, प्लस 5/2। इसके आगे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कर सकता है, और 3 1 से 3 एंड 3 2 6, तो यहाँ पर हमारा बचा -1/2 प्लस 5/2। 2 और 2 का एलसीएम 2, एंड 2 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूँगा तो आएगा 1, एंड 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करूँगा तो -1 प्लस 2 का 2 में डिवाइड करूँगा तो 1, एंड 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में करूँगा तो 5 1 से 5 इजिकल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 -1/2, देन 5 में से 1 आप घटाओगे तो 4 एंड नीचे 2, और 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो आएगा 2। दिस इज द आंसर। अब देखते हैं सेकंड वाले को, तो इसे मैं यहाँ उतार लेता हूँ, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, अब आप इस वाली संख्या में और इस वाली संख्या में आप देख सकते हो 2/5 इज कॉमन। राइट, सो इस वाली संख्या को मैं यहाँ ले लेता हूँ और इस वाली संख्या को, यानी कि इन दोनों संख्याओं को यहाँ ले लेता हूँ, तो 2/5 इंटू -3/7
प्लस 1/14 इंटू 2/5, ठीक है। अब ये वाली संख्या लास्ट में 1/6 इंटू 3/2, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन लेना है, आप अगर चाहो तो इसे पहले लिख सकते हो, तो 2/5 मैंने कॉमन ले लिया इनटू कॉमन के बाद में एक ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें बचेगा 1/14 और यहाँ बचेगा -3/7, -3/7, ठीक है। माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 3 एंड 6 2 12, 3/12, 2/5 इंटू, अब 14 एंड 7 का एलसीएम आप निकालोगे तो आएगा 14, एंड 14 में जब आप 14 का डिवाइड करोगे तो आएगा 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो 1 1 1 माइनस 7 का आप 14 में डिवाइड करोगे तो आएगा 2 एंड 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, 3 2 6, ठीक है। इतना समझ आया आपको, -3/12, ठीक है। अब 2/5 इंटू, अब 1 में से आपको 6 माइनस करना है तो आएगा -5/14, ठीक है, -3/12। अब इसे मैं काट सकता हूँ 5 का 5 से, तो आएगा -1, तो यहाँ पर 2 1 2, तो 2 से भी मैं 14 को काट सकता हूँ 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा -1/7 एंड यहाँ पर -3/12। अब देखिए 3 1 3 एंड 3 4 12, यहाँ भी कर सकते थे इसको, तो -1/7 -1/4। अब 4 और 7 का एलसीएम 28, 28 में अगर आप 7 का डिवाइड करोगे तो आएगा 4 एंड 4 1 4, माइनस का 4 एंड यहाँ माइनस है, 4 का डिवाइड आप 28 में अगर अगर करोगे तो आएगा 7 एंड 7 1 7, तो हमारे पास में आया माइनस का 11, -11/28। देखो यहाँ पर -4 एंड -7, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन आंसर नेगेटिव में ही आते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर निकला -11/28, दिस इज द आंसर, इतना आपको करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किए, अगले वीडियो में दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।